एक भक्त बोला प्रभुपाद जी, कहते प्रभुपाद आप हमें क्यों बोलते हो शेविंग करने के लिए? व्हाई यू वांट अस टू शेव? आप हेड शेव के लिए बोलते हो, व्हाई? कृष्ण के भी तो बाल हैं, बलराम जी के बाल हैं, इन सबके तो बाल हैं, और हम इनके भक्त हैं तो हमारे भी तो बाल होने चाहिए ना। प्रभुपाद ने कहा, क्या मेरे बाल हैं? नो प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, यू शुड फॉलो गुरु, यू शुड नॉट इमिटेट कृष्ण। हमें कृष्ण की नकल नहीं करनी, हमें गुरु का अनुसरण करना है। प्रभुपाद ने कहा, मेरे बाल हैं? नहीं है ना, फॉलो मी। तो प्रभुपाद जी क्लीन शेव साधु। सोचिए एकादशी के दिन जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दैट यू कैन शेव, प्रचार करने के लिए, ये पहले कभी किसी ने नहीं बोला। एकादशी यूजुअली पीपल डू नॉट शेव, कि अगर कट लग जाएगा तो फिर वो व्रत टूट सकता है आपका, उस दिन आपको ब्लीडिंग अगर हो जाती है व्रत वाले दिन, मतलब पीरियड्स वाला नहीं, पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है बट दैट इज नॉट, उससे व्रत नहीं टूटता। लेकिन अगर कट लग जाता है, कोई वूंड लगता है और खून निकल आता है तो उससे व्रत टूट जाता है।